अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी खैरियत से हैं। और चले आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैंने नूडल्स को पका लिए हैं और यहाँ पे हमारा ऑयल गर्म हो रहा है। और यहाँ पर हम लोगों ने लहसुन इसे चॉप कर लिया है, प्याज, हरी मिर्च और सम्हार ये हमने चॉप कर लिया है। सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे हम जीरा और राइन, इसे थोड़ा कड़कने देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन, गार्लिक को हमने हल्का सा ही करना है, ट्रांसपेरेंट, बाकी हमें इसको लाइट ब्राउन नहीं करना है। डालेंगे ग्रीन चिली, ग्रीन चिली हम ऐड कर दिए। उसके बाद डालेंगे इसमें ऑनियन, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है इन सभी को। यहाँ पर जो प्याज है वो ट्रांसपेरेंट हो चुकी है, बस इसे हमने पिंकिश कलर नहीं देना है ज़्यादा, बस इतना ही हमें इसे फ्राई करना है। इसके बाद डालेंगे इसमें थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा धनिया, नमक थोड़ा सा डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा जो है हम इसमें सोया सॉस डालेंगे, इसे मिक्स करेंगे। इसके बाद इसमें सॉस ऐड करेंगे, और यहाँ पर हमने इसे नूडल्स को जो है बॉईल करके रखा हुआ था, ये अब हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर ऐड कर देंगे, इसे मिक्स करेंगे। आप अगर ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो चिली फ्लेक्स इसमें डालें, और अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ज़्यादा तेज ना करें, चिली सॉस वगैरह, चिली फ्लेक्स ना डालें। तो यहाँ पर हमारा हाका नूडल जो है वो बनके रेडी हो गया है। मैंने इसमें वेजिटेबल ऐड नहीं किया क्योंकि मेरे बच्चे वेजिटेबल बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, तो इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे ताकि जो फ्लेवर है वो पूरा नूडल्स के अंदर चला जाए। उसके बाद फिर हम इसे सर्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में। तो आप लोगों को मेरा हक्का नूडल्स बनाने का तरीका कैसा लगा? थोड़ा सा डिफरेंट है, बिल्कुल विदाउट वेजिटेबल। तो चले अब सर्व करने की बारी आ गई है। अब हम इसे निकालते हैं प्लेट में। तो यहाँ बच्चों के लिए प्लेट निकल रही है। तो यहाँ पर बच्चों के लिए मैंने प्लेट निकाल दी है। इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी कोरिएंडर, मतलब कि हरा धनिया, ये हम डाल के इसमें, और साथ में हम डालेंगे ओरिगेनो, ये डालेंगे, इससे थोड़ा सा फ्लेवर और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। साथ में डालेंगे पिज़्ज़ा एंड पास्ता सीजनिंग, तो ये हम डालेंगे। यहाँ पर हमने कर दिए हैं और अब हमारा हाका नूडल जो है वो बनके हो गया है रेडी, बच्चों को देते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कलर है और बहुत ही सुंदर दिख रहा है। तो आज आप लोगों के लिए आया है हाका नूडल बना के लाए हमने। तो अब आप दोनों बताना, तो अब गोशिया और वारिस आप दोनों खा के बताना कि कैसा बना है। ओके, ओके, थैंक यू। तो दोनों टीवी के साथ एंजॉय कर रहे हैं ना। ओके।